जाओ, टाइम हो गया है। आरती पता नहीं कहाँ गई। अरे पापी सुनिए, मेरी बेटी को क्या हो गया? कोई मेरी बेटी को बचा लो। भगवान अच्छा मम्मी कहाँ है? सुनीत इतने स्मार्ट लग रहे हो। हाय भाभी। दाढ़ी मूंछ हेयर स्टाइल बिल्कुल हीरो लग रहे हो। आप कैसे हो भाभी? किसी की नजर लगे उसे पहले घर के अंदर चलो। जाओ भाभी आप। चलो चलो। मॉर्निंग, नाश्ता तैयार है। तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? कुछ नहीं, आप गहरी नींद में सो रही थी, मैंने सोचा आज एक दिन मैं ही। अब से किचन की तरफ मुंह भी किया तो मार पड़ेगी। भाभी की मार भी लगती है? ऐसे मारूंगी कि चोट लगे। गुड मॉर्निंग स्वीटी, होमवर्क करना ना, चलो उठ जाओ। मम्मी उठ गई क्या? मम्मी नहीं नहीं उठी अभी, तो आ जाओ एक छोटी सी नींद और हो जाए। ए छोटी उठ। इधर आ गए, बचाओ बचाओ। भाभी नहीं, भाभी छोटी मैं इधर हो गई। भाभी नहीं, भाभी लग रही है, भाभी जल्दी से नहा लो जल्दी। मैं तुम्हें बुद्धू बुद्धू कह के डांटू तो? मैं भी तुम्हें बुद्धू बुद्धू कह के डांटूंगी। अच्छा मैं तुम्हें गंजी गंजी कह के सर पे मारूं तो? मैं भी तुम्हें गंजा गंजा कह के सर पे मारूंगी। मैं तुम्हें प्यारी प्यारी पप्पी दूं तो? मैं भी तुम्हें प्यारी प्यारी पप्पी दूंगी। That is Newton's third law. For every action, there's an equal and opposite reaction. Very good. अच्छा होगा तुम टीचर बन जाओ, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। शुरू कर दिया, अब रात को नींद आने से पहले भाई और भाभी बारी बारी से सिद्धू की तारीफ करते रहोगे। तुझे इतनी जलन क्यों? पेट चलता है। So sweet. सुनील, तुम्हारी मनपसंद मिठाई बाद में खाता हूँ भाभी। मेरे लिए ठीक है दो। हाथ नहीं मुंह खोलो। तुम क्या बच्ची हो? टेक इट इन योर हैंड। आई हैव अ स्मॉल डाउट मम्मी। क्या बेटी? तुम मेरी मम्मी हो या सिद्धू की? दोनों की। तुम्हारी मनपसंद नॉवल? प्रेम का अंत नहीं, काफी अच्छा नॉवल है, बहुत दिनों से पढ़ने की सोच रहा था। थैंक्स भैया। पॉकेट मनी 50 रुपए में क्या होता है? चलेगा भाभी। ये रखो 500 रुपए। बेहतर होता मैं आपका भाई होती तो मम्मी मुझे भी इतना प्यार देती।
बाय। ओके भैया बाय, सी यू। अच्छा सुनीत, टेबल पे नाश्ता रखा है, खा लेना। ओके ठीक है भाभी, बाय 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 मम्मी। अच्छा तुम होमवर्क करो, मैं शेव करके आता हूँ। सुनीत भाभी, तुम पे दाढ़ी अच्छी लगती है, बस यही रहने दो। ठीक है भाभी। ए आयशु चलो, टाइम हो गया। चलो खा लो, खा लो। ए आयशु कम फास्ट, जल्दी आ जा। थैंक यू। हाँ राइट राइट, चलो चले क्या? अच्छा जोर से पकड़ ले। आ, पकड़ लिया। ए, डोंट वरी। फास्ट फास्ट ही, तुम फास्ट सिद्धू, चलो चलो सिद्धू, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी चलो सिद्धू। ओके बाय सिद्धू, बाय। ओके साइकिल पे बैठ के घमंड ऐसा जैसे बाइक पे बैठा हो। दुपट्टा हवा में लहरा के खुद को परी समझती है। घमंडी सॉरी तक नहीं कह सकता। क्यों, आके खुद नहीं ले सकते? ठीक है, ओके। ये मेरी दादी से कहाँ काम है? 10 साल से तू निशाना लगा रहा है, लेकिन तेरा निशाना हर बार चूका है। इस बार भी चूक गया है, तुझे हर कोई थूक देता है। हाय भाई, आजा आजा आजा। हाय फ्रेंड्स, यार क्या स्मार्टी। हाँ गले लग गया। हे हाय, कैसे हो? ऑस्ट्रेलिया से कब आया? अरे की पॉइंटिंग कैसा है? वो तो ठीक है। अच्छा तुम्हारी दादी कैसी है? उसको क्या, मोटी गोल मटोल टून टून की। वो सब ठीक है। बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हो? शिकार के लिए। कौन से जंगल में? अरे ये जंगल में मंगल का शिकार है, कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा काम क्या कर रहे हो? काम मिले तो घर वालों को खुशी, ना मिले तो कम से कम हम तो खुश रहे। बढ़िया पंची डाला है ना। बैड पॉलिसी। हमारे साथ मंगल मनाने चलो तो तुम्हें बेस्ट पॉलिसी लगेगी। सॉरी गाइस आई हैव टू लीव। देख तू ऑस्ट्रेलिया से आया है, अंग्रेजी झाड़ रहा है, मुझे तो समझ में आती है, इन्हें भी समझना है ना। ये सब कुछ ज्यादा नहीं लगता? फूल ले लो फूल। कौन? चंपा चमेली के फूल ले लो। थक तेरे की। प्यारे बालकों, पढ़ लिख के बहुत कर ली कमाई, कमर की लचक देख के दिए लार टपकाई, भविष्य में होगी सिर्फ तन्हाई। कमर की लचक और उसकी पुदक देखने के लिए पढ़ाई किस लिए? अरे बुढ़ाओ पढ़ाई किस लिए? काम रस की पढ़ाई हम संतों को है भाई, यही तो है असली पढ़ाई। हाय आंटी। हाय। ये ऐश्वर्या मेरी क्लोज फ्रेंड। हेलो आंटी। हेलो। आइए लंच शेयर करते हैं। नो थैंक्स, तुम जाके खाओ। ओके। वाह व्हाट अ टेस्ट। रितिक तुम भी जरा टेस्ट करके देखो ना। सिर्फ सादा पुलाव इतना अच्छा और टेस्टी है। आंटी थोड़ा टेस्ट करो ना। मैंने खा लिया। आपको खाने को किसने कहा? जस्ट टेस्ट प्लीज। एक्सेलेंट, किसने बनाया है?
हमारे सिद्धू ने। सिद्धू कौन है? तुम्हारे घर का बावर्ची क्या? नहीं, वो इसके चाचा है। मैं प्यार से उन्हें सिद्धू बुलाती हूं। अच्छा, तुम्हारे सिद्धू को और क्या क्या बनाना आता है? उन्हें सब आता है आंटी, पूरी सब्जी, बिरयानी, कोफ्ता, चिकन, मटन, सभी बहुत बढ़िया बनाते हैं वो। रियली? बनाने में उन्हें तकलीफ नहीं होती क्या? मैंने भी यही पूछा था तो उन्होंने कहा कि प्यार से करो तो काम भी प्यारा हो जाता है, दुखी मन से करोगे तो वो भी तुम्हारी तरह दुखी होगा। इतनी बढ़िया इंसान है तो फिर मिलना चाहिए। जरूर मिलेंगे। हाय आयशु। हाय सिद्धू। हाय अंकल। हाय। ये तो घमंडी है। अरे ये तो वही नकचड़ी है। ये लो आंटी, यही है मेरे सिद्धू, मिस्टर सुनी। हाय। बहुत बन रही है ये। मिस आरती, माय स्वीट आंटी गर्लफ्रेंड। आंटी ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं। इन्होंने बीएससी विस्कॉम किया है। पिछले साल ही पढ़ाई खत्म की, अच्छी नौकरी की तलाश में है। इन्होंने भी पिछले साल कोर्स खत्म किया है, अब पढ़ाई करे शादी करे सोच रही है। बहुत बोल रही हो, चुप करो। सॉरी उस दिन सॉरी भी नहीं कहा, और गुरूर में साइकिल पे बैठ के जैसे बाइक पे। आई एम रियली सॉरी। अरे रे, गलती मेरी है। दुपट्टा ठीक से बांधे बिना स्टाइल में बाइक चलाऊंगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इधर देखिए, दुपट्टा बांध लिया है, आपको ही मुझे माफ करना होगा। नहीं, मेरी भी। I'm sorry. I'm sorry. या क्या सॉरी कॉम्पिटिशन चल रहा है? जो सॉरी पे सॉरी बोल रहे हो, पहले तुम दोनों हाथ मिलाओ। तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करा है, हाथ मिला के दोस्ती कर लो। आंटी हाथ मिलाओ ना, प्लीज आंटी हाथ मिलाओ ना, हाथ मिलाओ ना, हाथ मिलाओ सिद्धू। ओके ओके, अब अपना काम वो खुद ही कर लेंगे, तुम चलो क्लास में चलते हैं। शीका सर पर लगा ए, आशु चलती है। नहीं मम्मी, तेल लगा लो आशु। प्लीज मम्मी मेरी बात सुनो आशु, सीधे सीधे तेल ना लगाने के लिए बोलो प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या भाभी, नहीं चाहिए भाभी, छोड़ दीजिए भाभी प्लीज। जाओ जाओ जाओ। ओके चली गई ना, नहीं लगाना ना, हमें भी नहीं पसंद। नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। मेरे साथ बात नहीं करोगी? मेरे साथ नहीं बात करोगी? तुम्हारा बदन जल रहा है, तेल की मालिश कर लो, अच्छा लगेगा। क्या नहीं लगाना? लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। क्यों रो रही हो? लग तो गया ना, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, ए भाभी 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 चुप भी करो। अरे बैठो, देखो बदन कितना गर्म है, मुझे तेल लगाने दो। तू भी मम्मी की साइड दे रही है, एक छोटी दुकान ठीक हो जाएगी। अब खेलना बंद करो, इसे पकड़ो पकड़ो इसे। चलो अब हाथ आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ ना इसको, इसको लगाओ और इसको। बहुत दादी बन रही थी। हाँ भाभी, बस भाभी प्लीज भाभी। देख क्या रहे हैं, आप भी आकर बैठिए। आओ ना डैडी। मुझे दे दो, मैं लगाता हूँ, तुम जाके सीखा ले। अच्छे से लगाना। हाँ, तुम्हें कितनी प्यारी भाभी मिली है। लव मैरिज किया था, डर था कि पता नहीं वो तुम्हें माँ का प्यार देगी या नहीं, लेकिन उसने माँ की कमी पूरी कर दी। बहुत खुशी होती है। कान दिखाओ। गुड बॉय गुड बॉय। घूमो ना सिद्धू। भाई से इतना लगाव अच्छा नहीं। एक बार भी नहीं जीते, अब मैं एक बार और जीत गया ना तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। देखते हैं देखते हैं। आरती, आरती बेटी। क्या है माँ? जल्दी से यहाँ आओ। क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो? खा खा के शरीर की चर्बी बढ़ा रही है, किताबों और टीवी से अपना टाइम पास कर रही है, लेकिन खाना बनाना नहीं सीखेगी। बिना कुछ सीखे पति के घर जब तू ब्याह के जाएगी तो दाल रोटी बनाना भी नहीं सिखा, ये कह के वो मुझ पे थूकेंगे। देखो लड़की को कैसे पाला पोसा है। उसे क्यों आंखें दिखा रही है? रसोई घर में खाना बनाने के लिए मेरा हाथ बटाने की बजाय हमेशा पड़ती रहती है, आखिर इससे फायदा क्या होगा? अरे जाओ अभी माँ, तुम्हें और कोई काम ही नहीं। सुन, उठती है या नहीं? माँ जी, उसे खुश रहने दीजिए ना, खाना बनाना नहीं जानती तो क्या हुआ, किसी अच्छा खाना बनाने वाले से शादी कर देंगे। दादी, मेरे फ्रेंड के सिद्धू को
अच्छा खाना बना रहा था है। आंटी ने भी टेस्ट करके ओके किया है। कहो तो मैं बात करके देखूं। यू नॉटी बॉय, बचाओ बचाओ, मुझे मारने आ रही है। बचाओ, अरे आहिस्ता आहिस्ता। रुको पापा, देखो मुझे राक्षसी मारने आ रही है। राक्षसी? खूबसूरत राक्षसी बोला। खूबसूरत बोल दिया ना, छोड़ दो, तुझे बाद में देखूंगी। ठीक है देख लेना। हाय, पौधा सुंदर है। ये कौन सा पौधा है डैडी? ये पौधा नहीं, पेड़ है। बोनसाई इसका नाम है। इसे यहाँ पे रखें? हाँ, रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो जब ये बड़ा होगा तो छत तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये पेड़ बड़ा ना होने पाए इसलिए जड़ से तने तक जो भी पत्ते उगते हैं उन्हें काट कर बराबर रखना है। ओहो, बेचारा पेड़ डैडी। पेड़ को बेचारा समझेंगे तो इंसान के रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो फिर इसमें पानी डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए डैडी? पानी डालना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभार डालना पड़ता है। तब तो ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतने धीरे चलाने से बात नहीं बनेगी। क्यों ना हम साइकिल रेस रखें अंकल? ओके, रख लेते हैं। अरे रेस नहीं करना। क्यों, हार जाने का डर है? वो कैसे, आंटी ही जीतेगी। चैलेंज चैलेंज। सिद्धू रुको, तब मैं आंटी के साथ बैठी हूँ, तुम अंकल के साथ बैठो। आ जाओ। आंटी हमें ही जीतना है। अंकल हमें ही जीतना होगा। उसमें क्या शक, हम ही जीतेंगे। रेस कॉफी शॉप तक रहेगी। अगर अंकल जीते तो आंटी आप सबको आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाएंगी। और अगर हम लोग हार गए तो अंकल सबको खिलाएंगे। ओके ओके, रैली स्टार्ट। ओके, हमें जीतना है अंकल। अगर लेडी से हार गए तो शेम शेम पपी शेम होगा। ओके पर्सन ही लेके आया, तब तो जीतना ही होगा। ओके हफ्ते। तुम भी ऋतिक के लिए साइकिल रेस हारी थी ना? वो मेरा दोस्त है। उसी तरह ये मेरे फ्रेंड हैं, इन्होंने मुझे जिता दिया। ओ, तो ये बात है। ठीक है ठीक है, कौन किसका फ्रेंड है, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए। खरीद के देखे जाओ। हाँ, चलो चलो। कॉफी पीते हैं। वो ऐसा है, मैं पर्स लाना भूल गया। मैं लाई हूँ, आओ ना प्लीज। ये नहीं चलेगा, जो हरा है वही खरीद कर देगा। hey, तुझे क्या, मेरी दोस्त मुझे खरीद के दे रही है। अच्छा, अब देखेंगे। ओ तेरे की। Yes. ये तो लगता है ये भी पॉकेट कर देगी। ओह नो। Yes. क्या भाभी? उठो और मेरे साथ चलो। किस लिए? सस्पेंस। उठो ना। ओके ओके ओके, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। जो मैं नहीं जानती हूँ। कहाँ भी लेके जा रही हो, बताओ तो। पहुँच गए। वाओ, लेटेस्ट मॉडल बाइक, मेरा फेवरेट कलर। किसकी है भैया? तुम्हारी है। मेरी? ये, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जिसने खरीदी है उनसे कहो। भाभी ने? तुम्हारी भाभी को तुम्हारा साइकिल से जाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए अपने सेविंग से खुद सेलेक्ट करके खरीदी है। थैंक्स सो मच भाभी। इट्स ओके। वन मोर थैंक्स। मैं एक छोटा राउंड लगा के आता हूँ। ए आजा, एक राउंड लगा के आता हूँ। कम ऑन भैया, आप ही आ जाओ। ओके मैं पहले, आप नेक्स्ट राउंड। ठीक है। ओके सिद्धू की ओर मैं
मेरी न्यू बाइक सुपर। ओके बाय बाय। यस। क्या मजमा लगा रखा है? ये सीक्रेट है, तुम सिगरेट स्पॉन्सर करो। हैं? एक सिगरेट अपने लिए, दूसरा अपने बाप के लिए कहते हैं, ये तीसरा किसके लिए लिया? हैं? ये मेरे दादा के लिए। चल अपना काम कर। वो सब ठीक है, तू ये हाथ में घास लिए क्या फील कर रहा है? वो कुछ नहीं गुरु, पांच लड़कियों से मोहब्बत की, सब छोड़ के चली गई, फूल पी के फील करने की औकात नहीं है, इसलिए घास चबा के फील कर रहा है। हाँ गुरु, चार महीने से फिरंगी माल के पीछे घूम रहा था, वो किसी और के साथ भाग गए। किस वजह से? इसका नाटक मत पूछ यार। सर एक एक प्यार कम से कम छह महीने करते हैं, पूछो तो कहेंगे मेरा प्यार वाइन की तरह है, जितना पुराना होगा कीमत उतनी अधिक होगी। इनका एक एक प्यार अधिक पुराना होने से एक्सपायरी डेट हो गया। फिकर मत कर यार, एक लड़की से प्यार किया पास हुए तो अच्छी बात, फेल हो गए तो और भी अच्छी बात है। रास्ते में बहुत सारे पौधे हैं दोस्त, एक एक पौधे पे अनेकों फूल हैं। सपोज हम एक फूल से प्यार करते हैं और वो फूल किसी और से प्यार करता है, तो हमें किसी और फूल से प्यार कर देना शुरू कर देना चाहिए। बासड़ों सलाह देना दूसरों को अच्छा लगता है, तजुर्बा करके देखो तो उसके दर्द का एहसास होगा। प्यार दूर से देखो तो कॉमेडी लगेगा, वही प्यार करीब जाके देखो तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, खुद समझ जाओगे। रानी की तरह है। यारो मैंने कुछ गलत बोल दिया, इतना नाराज होके जा रहे हैं? अरे समझा करो गुरु, वो छठी मोहब्बत के लिए बुनियाद डाल रहा है, देखो। इसकी तरह मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए, कल ही आरती को मिलता हूँ। अरे रे, वो भी मेरा इंतजार कर रहा है, जाहिर नहीं करूंगी उसी के लिए आई हूँ। जान गई कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो काफी चीप समझेगी। ये आरती की कार है ना? चेक कर लेते हैं। ये तो आरती है। हाय बोलूं क्या? नहीं नहीं उसे ही बोलने दो। हाय। हाय। तुम कब आए? तुम किसी को खोज रहे थे ना, तभी आई। ओ वो ऐसा है, मेरे एक फ्रेंड ने आने को कहा था, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। छुप छुप के नोट कर रही हो? ओ ये बात है, मेरे लिए आए और झूठ बोल रही हो, झूठे। अच्छा क्लास शुरू के आधा घंटे से ऊपर हो गया, लगता है तुम भी किसी को ढूंढ रही हो। मैं एक फ्रेंड वो मालती के लिए वेट कर रही हूँ। ओ तेरे होंठ झूठ बोल रहे हैं, वो तेरी आंखें बता रही है। निगाहों से ऐसे देख रही हो जैसे मुझे निगल जाओगे। जो लाया हूँ उसे दे दूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ। नहीं नहीं आज नहीं। दे दूँ क्या? देखते ही मुझ पे मर मिटी समझेगा। नहीं बाबा। ओके सी यू देन। ठीक है बाय। एक्सक्यूज मी। वन मिनट प्लीज। एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। नो नो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं वो नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं लूंगा, अगर तुम मेरा गिफ्ट लोगी तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूंगा। ओके। तुम भी मनोज कुमार के फैन हो? जो दिल को जीत लेता है दिले नशी। क्या भाभी बहुत सीरियसली कुछ काम कर रही हो? अरे बेहतर होता कि मैं आपका बेटा पैदा होता। मेरी माँ में इतने टैलेंट है, सबको गर्व से कहता। इस तरह बात मत करो, प्रेम का अंत नहीं, टाइटल ही बहुत अलग है। जो दोस्त से भी बढ़कर है एक दोस्त, जान से भी बढ़कर कौन है वो जान? मेरी फ्रेंड है भाभी। कहाँ? कैसे? मेरी कॉलेज मेट। कॉलेज फ्रेंडशिप इस तरह डूब रही है? गुड। क्यों प्यार है? क्यों भाभी नहीं करना चाहिए। क्या 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 कहा? नहीं प्यार करना गलत है भाभी। बिल्कुल, हम
हमारी तरह के मिडिल क्लास लोग प्यार करें तो गलत है। तुम प्यार कर रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। ऐसे ही मत पूछना। प्यार करने पर जन्नत की खुशबू है, वही शादी के बाद नरक की बदबू की तरह है। नहीं समझे? तुम्हारी उम्र में मैं भी समझ नहीं पाई, लेकिन अब समझ आता है। जिंदगी खराब हो गई। तब तुम मुंबई में पढ़ रहे थे, तुम्हारे भाई और मैंने बहुत गहरा प्यार किया। सारे क्वालिफिकेशंस बराबर होने पर भी मेरे पिता ने इनकार कर दिया। प्यार और जवानी का जोश, साथ जीने और मरने की कसमें, हम दोनों रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए। अब आप माला पहनाइए। अंजलि, तुम्हारे पिता अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं, भाग जाओ। हा? प्यार में फायदा देखे तो मनपसंद आदमी के साथ सिर्फ शारीरिक सुख है, उसके लिए हम खोते हैं मान मर्यादा शांति पैसा और बहुत कुछ। मैं प्यार करती हूँ जानते ही, मेरे पिता ने मुझे बेटी की तरह नहीं एक वैश्या की तरह देखा, जबकि उनकी तीन पत्नियां थी और रखेलों की गिनती नहीं। सुनीत, प्यार के लिए हमारी सोसाइटी का साफ नजरिया ही नहीं है। प्यार कहते ही एक लड़का और लड़की के हमबिस्तर की तस्वीर उन्हें साफ नजर आती है। लव मैरिज करने से लड़का लड़की दोनों को हर तरह से नुकसान है, लड़कों को नुकसान पैसों में। यही तुम अच्छी नौकरी में रहकर अरेंज मैरिज करते हो तो तुम्हें दहेज में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे ना, लव मैरिज में फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हमारे लव मैरिज करने से सभी रिश्ते टूट गए। इस तरह दुख उठाकर ये नॉनसेंस लव क्यों करना? उसके लिए प्यार ही गलत है, कहना सही है क्या भाभी? प्यार अगर गलत हो गया तो तुम्हारी मर्दानगी अकल सब चला जाएगा, उसके बाद तुम भी मेरी तरह मजबूरी में जियोगे। साफ नजरिए के लोग प्यार नहीं करते, अकलमंद प्यार नहीं करेंगे। मैं तुम्हें साफ नजरिए का समझती हूँ। मेरे सपने तुम्हारे जरिए पूरे हो वो किला बना रखा है। प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय इट। इस उम्र में लड़की को देखो, उसके बदन को देखो, एक अट्रैक्शन आएगा, इट्स नेचुरल। कंट्रोल करके देखो, अगर नहीं होता तो उसके लिए बहुत से टेम्पररी आउटलेट्स हैं। तुम पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो, तुम्हें समझ आएगा, समझना होगा। ब्राइड वांटेड फॉर ए ब्राइट ग्रूम। स्टेहारी बड़ा अजीब दिया गया है। उम्र 26, एजुकेशन MCA, न्यू जर्सी में जॉब, सिटीजनशिप वाली हमारी जाति के लड़के को एक सुंदर पढ़ी लिखी अकलमंद दुल्हन चाहिए। अपने आरती के लिए काबिल लगता है। हाँ पिताजी, आरती की कुंडली आज ही उन्हें ईमेल कर देता हूँ। बात अगर बन गई तो इसी साल हम इसे विदा कर देंगे। अरे इतने भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन खुश रहने दीजिए ना। भाई रिश्ता अच्छा है, होने दो। लड़की की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए गवर्नमेंट कहती है, इसकी तो 20 ही है। कुछ दिन घर में खुशी से रहने दो ना। अमेरिका अफ्रीका का लड़का नहीं चाहिए डैडी। क्यों सर? आंटी के बिना मैं नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के लड़के जो फॉरेन में काम करते हैं वो तो वहाँ पर गुलामी का काम करते हैं। हाँ भैया, बीए खत्म करके जॉब मिलने के बाद शादी कर दीजिएगा प्लीज। ये पेड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कल मेरे घर में मेरी शादी की बात चली, मैं बहुत डर गई। ये तो खुशी की बात है, इसमें डरना क्या? दुल्हा अमेरिका में है। अमेरिकन दामाद? तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आके तुमसे शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। बस भी करो, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे और वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो हम पहल करते हैं। खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे, मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। भागने को कौन बोल रहे हैं, और बड़ों की बेइज्जती भी नहीं होगी।
सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे। अब के लिए हम गांधर्व विवाह कर लेते हैं, बाद में सबके लिए सामाजिक विवाह। ओके, वो कैसे? मेरी तरह अपनी आंखें बंद करके महसूस करो, आंखें बंद कर लो। अभी हम शादी के मंडप पे बैठे हैं। हाँ, माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी लोग साथ में हैं। पास में बैठे पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। थैंक्स सुनील। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। शादी तो हो गई, और कुछ नहीं मिलेगा? नहीं बाबा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी, मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी गोद में सर रख कर लेटना चाहता हूँ। सुनीत, यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, कौन है ये लड़की? भैया, वो मेरी प्रेमिका। मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैया, कुछ मत बोलो,